कहते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। ब्रह्मसूत्र 2.1.16 मूल शंकर भाष्य। सत्वाच्चावरस्य अवरस्य सत्वाच्च अवर का अर्थ यहाँ पर कार्य प्रपंच है। उसकी अभिव्यक्ति के पूर्व भी सत्ता मान्य है, अतः कारण भावापन्न दशा में कार्य का अस्तित्व स्वीकार्य है। वेदांतियों के यहाँ यह विवर्तवाद है, सांख्यों के मत में परिणामवाद होता है, वैशेषिकों और न्यायिकों के मत में आरंभवाद होता है, पुद्गलवादियों के मत में संयोगवाद होता है। कार्य की उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य का अस्तित्व रहता है। न्यायिक वैशेषिक अर्धवैनाशिक माने गए हैं, पूर्ण वैनाशिक बौद्धों को माना गया है। असत से सत की उत्पत्ति बौद्धों के प्रस्थान में है, निरात्मवाद। मोदी जी बोल रहे क्या? मोदी जी या राहुल जी कौन बोल रहे? नारायण। वैशेषिकों के यहाँ असत कार्यवाद है, वैनाशिकों के यहाँ असत कारणवाद है। असत से सत की उत्पत्ति, लेकिन असत कार्य ही कारकव व्यापार के द्वारा सत कार्य के रूप में उत्पन्न होता है। यह अर्धवैनाशिक वैशेषिकों का प्रस्थान है, इन दोनों से पृथक प्रस्थान वेदांतियों का है। कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य कारण भावापन्न होकर विद्यमान रहता है। कारण कार्तियां पर उपादान कारण है। अंग्रेजी वालों ने इसी को अपने शब्दों में गुम्फित किया, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक की उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती।
भगवान शंकराचार्य के भाष्यों में संस्कृत में जो सूत्र प्राप्त होते हैं उनका मैंने हिंदी में अनुवाद किया। विकल्पना निराधिष्ठान नहीं होती, जो भ्रम होता है उसका कोई ना कोई अधिष्ठान होना ही चाहिए। विकल्पना निराधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता। किसी भी वस्तु के मिथ्यात्व का निश्चय होगा तो साक्षी स्वयं मिथ्या कोटि प्रविष्ट नहीं होगा, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता। एक पात्र में कर्पूर कपूर को रख दें, आग लगा दें, थोड़े आगे आ जाइए, ऐसा लगेगा कि मानो कपूर शेष नहीं रहा, लेकिन पात्र में कुछ काला धब्बा शेष रहता है। कपूर का सूक्ष्म रूप वायुमंडल में विद्यमान रहता है, रूपांतर कपूर का हो जाता है, न कि नाश। विकल्पना निर्धिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। कथमसता सज्जायता, भला असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती? ये सुयश जी, बाहर कोई एक कुर्सी हो तो और ला के रख दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, नाश निरन्वय नहीं होता। ये सब अकाट्य सिद्धांत हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा भी समर्थित हैं। वैज्ञानिक धरातल पर भी अकाट्य हैं, इसलिए शंकराचार्य का पक्ष बहुत प्रबल होता है, श्रुति सम्मत होता है। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, यह अभिप्राय। सत्वाच्च अवरस्य, अवर का अर्थ है यहाँ पर कार्य। उत्पत्ति के पूर्व भी कारण भावापन्न होकर कार्य रहता है। अगर कार्य का अस्तित्व उत्पत्ति के पूर्व रहे ही नहीं तो कार्य का व्यापार के द्वारा भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो, तब तो सिकता ते बरु तेल, बारी मथे बरु होय घृत, जल के मंथन से फिर घृत की प्राप्ति हो जाए, बालू के मंथन से तेल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता। किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति हो जाए या नहीं, तिल इत्यादि का ही तेली वरण करते हैं, जल तेल निकालने के लिए बालू का वरण नहीं करते। पहले से उनको ज्ञान होता है कि बालू में तेल नहीं है, तो बालू के पेलने से तेल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य मौलिक रूप में कारण से एकीभूत होकर शेष रहता है। आकृति की अनिर्वचनीय समुत्पत्ति वेदांतियों को मान्य है, तथापि कार्य कारण भावापन्न होकर ही उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान रहता है, उसकी अभिव्यक्ति में कार्य का व्यापार का उपयोग और विनियोग होता है। इतश्च कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वम्, कार्य का कारण से अनन्यत्व एकत्व इसलिए भी सिद्ध है। इतश्च हेत्वंतर की दृष्टि से यत् कारणं प्राक् उत्पत्तेः कारणात्मनैव कारणे सत्वम् अवरकालीनस्य कार्यस्य श्रूयते तदेव सदेव स्वमेदम् अग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम् आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इत्यादाविदं शब्दगृहीतस्य कार्यस्य कारणेन सामानाधिकरणयात्।
नारायण। यत् कारणं प्रागुत्पत्तेः कारणात्मनैव कारणे सत्त्वम् अवरकालीनस्य कार्यस्य श्रूयते। श्रूयते पद का प्रयोग होता है, स्मर्यते पद का प्रयोग होता है, स्तुति की ओर संकेत करने के लिए यहाँ श्रूयते पद का प्रयोग है। भाष्यकार ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि मैंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वह श्रौत है, स्तुति सम्मत है। सदैव सौम्यदम अग्र आसित, उन्होंने श्रुति को भी संबोधित किया। छांदोग 6:2:1। यत् कारणं प्राकुत्पत्तेः कारणात्मनैव कारणे सत्त्वम् अवरकालीनस्य कार्यस्य श्रूयते। कालांतर में जो कार्य उत्पन्न होता है कारक व्यापार के द्वारा, वो उत्पत्ति के पूर्व कारण से एकीभूत होकर तादात्म्यपन्न होकर ही विद्यमान रहता है। तभी सफल अर्थक क्रियाकारिता की निष्पत्ति होती है, अर्थात जानकार व्यक्ति जिस कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं उस कार्य की सिद्धि के लिए अपेक्षित उपादान का वर्णन करते हैं। यह अभिप्राय, घृत कोई चाहे तो दधि का मंथन करता है, फिर तेल कोई चाहे तो तिल सरसों इत्यादि का मंथन करता है, ऐसे ही मंड कोई चाहे तो चावल इत्यादि का रंधन करता है। पहले से ही लोगों को मालूम होता है व्यवहार क्षम जो व्यक्ति हैं किसके द्वारा किसकी सिद्धि हो सकती है। प्यास लगने पर व्यक्ति पानी पीता है, पहले से ज्ञान है कि पानी पीने पर प्यास की निवृत्ति होगी। भूख लगने पर भोजन करता है, भोजन में भूख निवृत्त करने की क्षमता है, इसका ज्ञान होता है, तब भोजन करने में प्रीति प्रवृत्ति होती है। बच्चे को इस जीवन में तो किसी ने सिखाया नहीं कि दूध ऐसे पियो, लेकिन नवजात बच्चा भी माँ के पयोधर को चूसने लगता है, उसे पूर्वजन का संस्कार प्राप्त है, यानी पूर्वजन के प्रशिक्षण के बल पर ही वो दूध पीने की उसे क्षमता प्राप्त होती है। इस प्रकार से सदैव सौम्य दम अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, हे सौम्य पुत्र और शिष्य के लिए संबोधन किया गया। छांदोग्य स्थिति में श्वेत केतु के प्रति उनके पिता ने कहा, सौम्य सौम्य है, सौम्य भी कहते हैं, सौम्य सोम चंद्रमा, चंद्रमा के समान जिसका शीतल स्वभाव है उसको सौम्य। हाँ, पूर्व जन्म का संस्कार, पहले कई बार दूध पी चुका है बच्चा होकर, इसीलिए वो कला सिखानी नहीं पड़ती, निसर्ग सिद्ध कला है दूध पीने की। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, हे सौम्य अग्रे सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व यह कार्यात्मक प्रपंच सत होकर ही शेष था, अर्थात सदरूप में ही विद्यमान था। महाप्रलय में जो भी कार्य प्रपंच होता है कारण स्वरूप ब्रह्म से एकीभूत होकर ही थोड़ा है। अगला हो गया, हो गया, तुसी बैठो प्रेम नल। हाँ, पाठ में विघ्न न पड़े, हाँ ठीक है, बैठिए चलने दे। सदैव आसीत इदम अग्रे, अग्रे माने
महाप्रलय के बाद सृष्टि रचना के पूर्व हिस्सों में यह नाम रूपात्मक जगत सत होकर ही अवशिष्ट था, सद्रूपेण ही शेष था। यह अभिप्राय आत्मा वाइदम एक एवाग्रे आसित ऐत्रेय अरण्यक दो चार एक एक आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसित, यह जो नाम रूपात्मक प्रपंच है महाप्रलय की दशा में आत्मा होकर ही शेष था, अर्थात आत्मरूप से ही शेष था इत्यादौ इदम शब्द गृहीतस्य कार्यस्य कारणेन सामानाधिकरणयात् इत्यादि जो वचन है, बहुत सी श्रुतियाँ हैं, दो श्रुतियों को समुद्रित किया ऐत्रेय आरण्यक को और छांदोग्य उपनिषद को भगवान भाष्यकार ने। इदम शब्द से गृहित कार्य है, उसका कारण से सामानाधिकरण्य सिद्ध हो गया। सामानाधिकरण्य कारण भावापत्ति कार्य की सिद्धि हो गई। उत्पत्ति के पूर्व कार्य कारण भावापन्न होकर ही विद्यमान रहता है, कार्य का व्यापार के द्वारा उसकी पृथक से अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है। यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते न तत् तत् उत्पद्यते, यथा सिकताभ्यस्तैलम्। बहुत अच्छा दिया। यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते, जो जिस रूप से जहाँ नहीं रहता है विद्यमान, न तत् तत् उत्पद्यते, वह उससे उत्पन्न नहीं होता। यथा सिकताभ्यस्तैलम्, जैसे कि बालू से तैल की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि तैल बालू में पहले से विद्यमान नहीं रहता, विद्यमान की ही विशेष रूप में, सामान्य रूप से विद्यमान की ही विशेष रूप में अभिव्यक्ति होती है, अतः कार्य का व्यापार की सफलता है। असत कार्यवाद भी नहीं, असत कारणवाद भी नहीं। कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य का अभाव, बंद ही रखें तो अच्छा है मोबाइल वोबाइल। कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य कारण भावापन्न होकर रहता है, इसलिए असत कार्यवाद नहीं, असत कारणवाद भी नहीं। कारण रहे तब कार्य की उत्पत्ति होती है, कार्य कारण भावापन्न होकर विद्यमान रहे तब कार्य का व्यापार के द्वारा कार्य की निष्पत्ति होती है। यह कहा यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते न तत् तत् उत्पद्यते, जो जिस रूप से पहले से विद्यमान नहीं रहता वह उससे उत्पन्न भी नहीं होता, जैसे कि सिकता से तैल। तस्मात् प्राग उत्पत्ते अनन्यत्वात् उत्पन्नम् अपि अनन्यदेव कारणात् कार्यम् इति अवगम्यते। जबकि बात ऐसी है, इसलिए प्राग उत्पत्ते है उत्पत्ति के पूर्व अनन्यत्वात् उत्पन्नम् अपि अन्यदेव कारणात् कार्यम् इति अवगम्यते। अपि अनन्यदेव अप्यनन्यदेव कारणात् कार्यम् इति अवगम्यते। जबकि बात ऐसी है, इसलिए प्राग उत्पत्ते है उत्पत्ति के पूर्व कारण भावापन्न कारण से की भूत होकर ही कार्य रहता है, केवल कार्य का व्यापार के द्वारा पृथक से उसकी अभिव्यक्ति प्रतीति अर्थक क्रियाकारिता की निष्पत्ति से होती है, सिद्ध होती है। यथाच कारणम ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति, एवं कार्यमपि जगत त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति। इसी को स्पष्ट किए देते हैं भगवान भाष्यकार। कारण ब्रह्म जो है वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत का कारण सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है। भव का मूल कौन है? भगवान। भगवान ही भव के मूल हैं।
भव माने संसार के मूल में, संसार सारम भव के मूल में भगवान है। भव की संरचना का प्रयोजन भगवान की प्राप्ति है। प्रपंच की संरचना का प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति है। उपाय स्वतारा यह कहाँ लिखा है? मांडुक्य कारिका गौड़पाद महाभाग ने लिखा उपाय स्वतारा यह। भगवत तत्व में मन अवतीर्ण हो सके इस भावना से यह बात कही गई है। उपाय स्वतारा यह, जगत जो है लिफ्ट के समान है, इसका आलंबन लेकर जगदीश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। पार्थिव प्रपंच का आलंबन लेकर कहाँ तक पहुंच सकते हैं? पृथ्वी तक। पृथ्वी का आलंबन लेकर जल तक, जल का आलंबन लेकर अग्नि तक, अग्नि का आलंबन लेकर वायु तक, वायु का आलंबन लेकर आकाश तक, आकाश का आलंबन लेकर एसी बंद कर रखा है क्या? बिजली नहीं है? नहीं, हाँ तो अच्छी बात, ठीक है, ठीक। नहीं मुझे नहीं जरूरत है, तो ठीक ही है, बढ़िया। क्या कहा? पार्थिव प्रपंच का मौलिक स्वरूप पृथ्वी है। पृथ्वी का मौलिक स्वरूप क्या है? जल है। जल का मौलिक स्वरूप क्या है? अग्नि है। अग्नि का मौलिक स्वरूप वायु है। वायु का मौलिक स्वरूप आकाश है। आकाश का मौलिक स्वरूप अव्यक्त है। अव्यक्त का मौलिक स्वरूप आत्मा है। सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण, सन्निकट से विशेष का नाम कार्य होता है। इस दृष्टि से तस्मात् प्रागुत्पत्ते अनन्यत्वात् उत्पन्नम् अपि अनन्यदेव कारणात् कार्यम् इति अवगम्यते। यथा च कारणम् ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वम् न व्यभिचरति। जिस प्रकार कारण ब्रह्म का तीनों कालों में भी अस्तित्व व्यभिचरित नहीं होता, अन्यथा सिद्ध नहीं होता, करे अन्यथा से नहीं कोई, एवं कार्यमपि जगत् त्रिषु कालेषु सत्वम् न व्यभिचरति। इसी प्रकार जो कार्य है जगत, इसका भी तीनों कालों में अस्तित्व विद्यमान रहता है। अस्तित्व के, इसके अस्तित्व का व्यभिचार नहीं होता। न कदाचित अनिदृशम जगत। बस इतना ही है कि कारण भावापन्न होकर रहता है, कभी कार्य अपने रूप को प्राप्त हो जाता है। न कदाचित अनिदृशम जगत, ये तो मीमांसक लोग प्रलय न मानने वाले कहते हैं। ये मीमांसकों की धारणा को हमने उत्तर मीमांसा का उत्तर मीमांसा में डाल दिया, अर्थात कभी ऐसा नहीं था कि जगत स्वरूप से शेष नहीं था, अवशिष्ट नहीं था। यथा च कारणम ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति, एवं कार्यमपि जगत् त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति। कारण स्वरूप जो ब्रह्म है, वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही जगत के कारण है। कौन कारण? निमित्त और उपादान दोनों कारण। भगवान ही जगत बनते हैं, भगवान ही जगत बनाते भी हैं। माया शक्ति को द्वार बनाकर अभिप्राय है। यथा च कारणम ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति, एवं कार्यमपि जगत् त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति। उसी प्रकार कार्य भी, कार्य कोटि प्रविष्ट जो जगत है, कार्य भी तीनों कालों में अपने अस्तित्व को खोता नहीं, अर्थात कार्य का अस्तित्व भी तीनों कालों में विद्यमान रहता है। नारायण कहाँ? घर कटक। ढाई घंटे लगेंगे? ठीक। भोजन पानी के कहाँ? घर पे बना है, बन रहा होगा। ठीक। एकम च पुनः सत्वम अतो अपि अनन्यत्वम कारणात् कार्यस्। सत्व तो एक ही है, इसलिए अनन्यत्वम कारणात् कार्यस्य, कार्य का अनन्यत्व कार्य से सिद्ध होता है, अभिप्राय। एवं च
पुनः सत्वम एकम च पुनः सत्वम अतो भी अनन्यत्वम कारणात् कार्यस्य एकम च पुनः सत्वम अतो अन्यत् अनन्यत्वम कारणात् कार्यस्य ये भी कहा। क्या वो बोल रहा होगा बच्चा? हाँ क्या भगवान ब्रह्म ब्रह्म कहा ना, क्या शब्द है यहाँ पर? ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया न, यथा च कारणम ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति एवं कार्यमपि जगत त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति। ब्रह्म का सत्व, ब्रह्म जो है उसका अस्तित्व तीनों कालों में व्यभिचरित नहीं होता, सदा सद्रूप होकर ही रहता है। वैसे ब्रह्म का कार्य जो जगत है वह भी तीनों कालों में अपने सत्व को बनाए रखता है, उसके सत्व का अस्तित्व का भी व्यभिचार नहीं होता, केवल रूपांतर होता है। ब्रह्म रूपांतर को भी प्राप्त नहीं होता, कार्य रूपांतर को प्राप्त होता है। कभी कारण भावापन रहता है, कभी कार्य रूप से स्पष्ट परिलक्षित होता है, लेकिन कार्य का अस्तित्व विलुप्त हो जाए ऐसा नहीं। उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य कारण भावापन होकर शेष रहता है ऐसा। एकम च पुनः सत्वम अतोपि अनन्यत्वम कारणात् कार्यस्य यह हुआ। आज मुख्यमंत्री नहीं आए, जाइए। जब करते हो आस्तिक हो कुछ कुछ? अच्छा तो जब कर रहे बाएं हाथ से दाएं हाथ से? ठीक कुछ करो ठीक। एकम च पुनः सत्वम अतोपि अनन्यत्वम कारणस्य कारणात् कार्यस्य। अब भामती भाष्य है गए वो 587 ठीक है। 16वां सूत्र ब्रह्म सूत्र 2.1.16 विभजते इतश्च इति न केवलं श्रुति उपपत्तिश्च अत्र भवति। इतश्च कारणात् इस हेतु से भी, न केवलम श्रुति ही इस संदर्भ में केवल श्रुति ही नहीं, उपपत्तिश्च अत्र भवति बल्कि उपपत्ति का अर्थ युक्ति भी होती है। कल मैंने बताया ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति, चार चांद क्या। इस वैज्ञानिक युग में अगर सनातन सिद्धांत को विजयी बनाना है तो क्या आवश्यक? ऊपर श्रुति श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति, युक्ति श्रुति, युक्ति अनुभूति, तीनों का समादर करते हुए जो तथ्य प्रकाशित करेंगे अकाट्य होगा क्या? मुल्ला जी हों चाहे कुछ भी हो, क्रिश्चियन हो चाहे क्या, कहा फादर और चादर चादर हो या फादर चादर हो या फादर ठीक है, चादर नमाज पढ़ते समय चाहिए या नहीं? फादर होता ही है चादर हो या फादर अगर कोई श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों में सामंजस्य साध कर बोलना जानता है, लिखना जानता है तो विजयी होगा, पूरा विश्व उसको मानेगा। किस आधार पर मानेगा? हमारे केरल में अभी काफ़ी टूटू बहना हो रही है किस बात को लेकर? मुसलमान और क्रिश्चियनों में।
दोनों में चंगी गल है, इससे बढ़िया गल क्या है। ये फादर जो वहाँ के क्रिश्चियन के नेता ने आरोप लगाया है कि मुसलमान लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, जबरदस्ती बरगला रहे हैं, बेटी आदि को ले जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उस पर बहुत राजनीति भी हो रही है। वहाँ किस पार्टी की सरकार है? कम्युनिस्ट है ना, ठीक है। अच्छा अच्छा, केरल में? हाँ, तो वहाँ तो कम्युनिस्टों का शासन है, भगवान शंकराचार्य की जन्मभूमि, लेकिन हाँ फिर क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट और तालिबान और मुस्लिम सुन्नी सुन्नी टकरा रहे, ठीक, सुन्नी सुन्नी और क्रिश्चियन मुसलमान टकरा रहे। नारायण, कहाँ से आए आप लोग? मुंबई से। मुंबई ठीक है, महाराष्ट्र इतना उद्धव ठाकरे हैं क्या आजकल? अच्छा ठीक है, इतना कारनाथ उनके पूर्वज थे बिहार के, बाल ठाकरे पूर्वज बिहार के थे, मध्य प्रदेश आए फिर वहाँ चले गए, पूर्वज बिहार के थे। अच्छा, क्या हाल है? अभी काम समाप्त होने वाला है। कौन सा काम? अरे का। अच्छा ठीक है, ठीक पूरा होने वाला है, ठीक बस। आज जाना है भोजन करके या पहले? भोजन कर लिया। मत पधारिए, ठीक बस, ठीक ठीक हम रोकेंगे नहीं। तो क्या कहा? श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों में सामंजस्य साधकर जो बोलेगा वो विजयी होगा। हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि का स्वभाव होता है सत्य का पक्ष लेना, इसी आधार पर आज सनातन सिद्धांत विजयी हो सकता है, विजयी है। आवश्यकता है कि श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों में सामंजस्य साधकर बात कही जाए। न केवलम श्रुति उपपत्तिश्च अत्र भवति, मैंने कहा नीचे अनुभूति हो, ऊपर श्रुति हो, बीच में युक्ति हो, चार चांद। इस संदर्भ में श्रुति ही नहीं बल्कि उपपत्ति भी है, तात्पर्य निर्णय के लिए उपपत्ति भी चाहिए। उपक्रमों पर संभार अभ्यासा पूर्व, ये सब पुराने हैं, ये पुराने हैं ना, बहुत पुराने। कहाँ के हैं? कटक जाना है, सुभेंदु जी। अच्छा सुभेंदु जी, ठीक ठीक है। नारायण, हाँ कोई लिहाज में ना बैठे जिनको जाना हो, कौन? हाँ ठीक। न केवलम श्रुति उपपत्तिश्च अत्र भवति, इस संदर्भ में उपपत्ति माने युक्ति। यच्च यदात्मना इति, यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते न तत् तथा उपपद्यते, शंकराचार्य लिखा। जो जिस रूप से जहाँ नहीं रहता उसकी उस रूप से वहाँ से अभिव्यक्ति भी नहीं होती। यह नहीं तैलम सिकतात्मना सिकतायामस्ति यथा घटोस्ति मृदिमिदात्मना। तैल जो है सिकता, ते वरु तेल, बारी मथे वरु हो घृत, सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल तुलसीदास जी। तैलम सिकतात्मना सिकताया मस्ति नहीं, तैल जो है तिल में, तैल का नाम तैल क्यों है भृगु जी? सरसों का तेल भी होता है लेकिन तैल शब्द
सिद्ध करता है कि तिल से जो निकलता है वही सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए तैल नाम। सरसों का तेल ये सब कहिए, मूंगफली का, लेकिन सबसे उत्कृष्ट तेल कौन होगा? तैल। नाम ही बताता है कि तिल से जो सब उद्भूत हो वह रूढ़ार्थ हो गया, यौगिक अर्थ तो यही है, तिल से निष्पन्न तैल होता है। सबसे बढ़िया तेल कौन? तिल से निष्पन्न हो नहीं, तैलम सिकतात बना सिकता या मस्ते। तैल जो है सिकता में, रेत में तदात्म होकर शेष नहीं रहता, पूर्व से प्रतिष्ठित नहीं रहता, इसीलिए सिकता को पेलने पर तैल की प्राप्ति नहीं होती। यथा घटोस्थि मृद मिदात्मना, निषेध निषेध मुख विधमुख से कहा, लेकिन मिट्टी में घट तो रहता ही है। यथा घटोस्थि मृद मृद मृदात्मना, मिट्टी रूप से मिट्टी में घट रहता है। इसका मतलब उत्पत्ति के पूर्व कोई भी कार्य अपने उपादान कारण में तद्रूप होकर ही विद्यमान रहता है। उत्पत्ति के पूर्व कोई भी कार्य अपने कारण में तद्रूप होकर ही विद्यमान रहता है। कहो खलीफा, खलीफा नाम ठीक है? क्या हुआ? हाँ ये कहो। उत्पत्ति के पूर्व कोई भी कार्य कारण में तद्रूप होकर ही अवस्थित रहता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझते समझ आगे। हाँ अब कहो एकदम। कोई भी कार्य कारण में तद्रूप होकर ही रहता, ठीक। हमारे हिंदी कुछ विचित्र है ना, ठीक। मैं सरल करना चाहूँ तो बहुत फिर बोल नहीं पाता क्या, और देहाती सब जैसा ढूंढने लगता हूँ सब बिगड़ जाता है। वृंदावन में बोलता था, नया नया गया था उड़ियाबाजी के यहाँ, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज शाम को वृंदावन में उड़ियाबाजी के यहाँ बोलते थे, सुबह प्रश्नोत्तर उनके यहाँ होता था, करते थे। तो किसी ने कहा एक ब्रह्मचारी आए हैं, वो भी प्रवचन करते हैं, वहाँ की मर्यादा उड़ियाबाजी के समय से थी, जो बोलेगा ऊपर बैठे। कोई शंकराचार्य आ जाए तो बात अलग है, ऊपर ही बैठे, और जो श्रोता होगा वो नीचे बैठ जाएगा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी नीचे बैठते थे, बोलते समय ऊपर बैठेंगे नहीं तो नीचे, हम बोलेंगे तो हम ऊपर होंगे। उनके यहाँ की मर्यादा उड़ियाबाजी के यहाँ की पहले से ही थी। स्वामी जी को यह हुआ, परिचय नहीं था ना, उनको हुआ कि अपने अपना वैदु से बघाड़ने के लिए घर घर के बोलता है। तो चुटकी भी ली उन्होंने, लोग बुद्धि देने के लिए घर घर के बोलते हैं, हमने समझ लिया कि 5, 7, 10 प्रवचन सुनने के बाद उनको आ गया कि घर के नहीं बोलता, इसकी शैली ही ऐसी, ठीक। या है गला मान रहा हूँ तू। अपने आप मौन हो गए, ठीक। न केवल क्या क्या चल रहा था? नहीं तैलम सिकता बना सिकता या मस्ति यथा घट वस्ति मृद मृदात्मना, जैसे कि घट मिट्टी में उत्पत्ति के पूर्व मृतिका रूप से स्थित है, उस प्रकार सिकता में तैल नहीं, क्योंकि उपादान कारण वही होता है जिसमें उत्पत्ति के पूर्व उपादेय कार्य तद्रूप होकर शेष रहे। प्रतिपन्नो प्रत्युत्पन्नो ही घटो मृदात्मनो पलभ्यते, प्रत्युत्पन्नो ही घटो मृदात्मनो पलभ्यते नैवं प्रत्युत्पन्नं तैलं सिकतात्मना।
विधि और निषेध दोनों ढंग से भ्रांतिकार ने प्रस्तुत किया अपने भावों को शंकराचार्य के अनुकूल। प्रत्युत्पन्नो ही घटो मृदात्मनोपलभ्यते कारकव व्यापार के द्वारा जब मिट्टी से घट को उत्पन्न कर दिया जाता है तब आकृति तो विशेष हो जाती है लेकिन मृतिके तेव सत्यम मिट्टी की वहाँ विद्यमानता ही रहती है। आकृति को लेकर नवीनता है, प्रकृति को लेकर कोई नवीनता नहीं। नैवम प्रत्युत्पन्नम तैलम सिक्तात्मना लेकिन सिक्ता रेत से तो तैल की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है, इसलिए कहना चाहिए कि तिल में सरसों आदि में तैल की विद्यमानता रहती है, सिक्ता में नहीं। नैवम प्रत्युत्पन्नम तैलम सिक्तात्मना उत्पन्न जो तैल होता है सिक्तात्मना सिक्ता रूप से अवशिष्ट नहीं रहता, यह अर्थ है कि कार्य में कारण की अनुगति होनी चाहिए, उपादान कारण की वो नहीं। तैलम तेना यथाशिकताया तैलम न जायते एवं आत्मनोपि जगन् न जायते जायते च तस्माद् आत्मात्मनासीत् इति गम्यते। तेन यथाशिकताया तैलम न जायते, इसी प्रकार से जैसे सिकता बालू से तैल उत्पन्न नहीं होता वैसे ही आत्मा से भी आकाश आदि प्रपंच उत्पन्न नहीं हो सकता था, लेकिन उत्पन्न होता है तो फल बल कल्प है कि यह जगत उत्पत्ति के पूर्व आत्म रूप से ही विद्यमान रहता है, यह अभिप्राय। फल बल कल्प का अर्थ क्या होगा? फल के बल पर कल्पना करने योग्य या फल बल कल्प्य। कोई बोले तो उसके बोलने से पता लग जाता है ना कि विद्वान है या नहीं, तो वक्तव्य भाषण को सुनकर व्यक्ति अनुमान करता है कि विद्वान है, विद्वान ना होता तो ऐसा कैसे बोलता। यह फल बल कल्प्य, फल के बल पर कल्पने योग्य। दधि के मंथन से नवनीत, नवनीत देखा है क्या होता है? हाँ बढ़िया पाया है कि नवनीत, दधि के मंथन से नवनीत मक्खन की प्राप्ति होती है, तो कल्पना करनी चाहिए कि उत्पत्ति के पूर्व ही नवनीत मक्खन दही में विद्यमान था। बैठ, दही प्रिय है या मक्खन, दोनों में कोई नहीं? अरे हाँ बढ़िया, मक्खन देगा भी कौन? बैठो। तेना यथाशिकताया तैलम न जायते एवं आत्मनोपि जगन् न जायत जायते च। अगर आत्मा में जगत पहले से विद्यमान न होता तो ईश्वर के संकल्प करने पर भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन जगत उत्पन्न तो होता है। तस्माद् आत्मात्मनासीत् इति गम्यते, इसलिए आत्मा में उत्पत्ति के पूर्व जगत आत्म रूप से ही विद्यमान रहता है। महाप्रलय में जगत किस रूप से विद्यमान रहता है? श्रोता रूप से, ब्रह्म रूप से, आत्म रूप से, यह कहा। तस्मादात्मनात्मनासीत इति गम्यते, जगत उत्पत्ति के पूर्व आत्मरूप होकर ही रहता है। सांख्यवादी क्या कहेंगे? प्रकृति रूप से ही रहता है जगत,
न्यायिक वैशिष्य क्या कहेंगे, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु रूप से ही जगत रहता है, यही ना। आरंभवादी क्या कहेंगे, बैठने उठने में कष्ट तो नहीं होता क्या आरंभवादी न्यायिक वैशिष्य क्या कहेंगे, उत्पत्ति के पूर्व जो कार्यात्मक प्रपंच है पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु के रूप में रहता है, यही ना। बैठ। और सांख्यवादी कहेंगे कि प्रकृति के रूप में रहता है, लेकिन आरंभवादी क्या कहेंगे, अगर पहले से रहता तो आरंभवादी नहीं होंगे, असत्कार्यवादी, असत्कारणवादी, बहुत असत्कार्यवादी वैशेषिक नहीं आए, इसलिए वो क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवैनाशिक, अर्धवैनाशिक। पूर्ण वैनाशिक कौन हो गए, बौद्ध। अर्धवैनाशिक कौन हो गए, वैशेषिक। उनके यहाँ उत्पत्ति के पूर्व कार्य होता ही नहीं, असत्कारिकवाद तो उनके यहाँ मक्खन होता ही नहीं दही में, बिल्कुल नई चीज़ उत्पन्न हो जाती है क्या। कार्योत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का अभाव होता है, तभी कार्य का व्यापार की सार्थकता होती है, ये वैशेषिक नैयायिक कहेंगे। हम लोग कहेंगे कि उत्पत्ति के पूर्व कारण से की भूत होकर कार्य शेष रहता है, कार्य का व्यापार के द्वारा वह अभिव्यक्त हो जाता है। तस्माद् आत्मात्मनासित इति गम्यते, इसलिए आत्मतत्व आत्मरूप, इसलिए जगत उत्पत्ति के पूर्व आत्मरूप से रहता है, या शेष उत्पत्यंतर माने युक्त्यंतर, दूसरी युक्ति कहते हैं। यथाच कारणम ब्रह्म इति, यह यथाच कारणम ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति एवं कार्यमपि जगत त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति। जैसे कारण ब्रह्म का तीनों कालों में अस्तित्व विलुप्त नहीं होता, ऐसे ही कार्य प्रपंच का भी तीनों कालों में अस्तित्व विलुप्त नहीं होता। यथा घट सर्वदा सर्वत्र घट एव न जात्वत्व क्वचित पटो भवति, जैसे घट सदा सर्वत्र घट रूप ही रहता है, न कि पट रूप, एवं सदापि सर्वत्र सर्वदा सदैव न तो क्वचित कदाचित असद भवितुम अर्हति, वैसे सत भी सर्वत्र सदा सदरूप से ही रहता है, न कि कुछ असत रूप से अन्य रूप से। यह सर्वदा सर्वत घट एवं ना हो गया, कदाचित हो गया। इत उपवादितम अधस्तात, इस प्रकार से नीचे इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। तस्मात् कार्यम तिष्वपि कालेषु सदैव, एतावता यह सिद्ध हुआ कि कार्यम तिष्वपि कालेषु सदैव, कार्य भी तीनों कालों में सत ही सिद्ध है, सत्वं चेत् किमतो यद्देवं इत्यतः एकञ्च पुनः इति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सुहाना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, हर हर महादेव। पाठ को लेकर कोई प्रश्न करना हो कर सकते, पूछिए। आपसे
जी ने बताया कि जगत उत्पत्ति से पूर्व आत्मस्वरूप में विद्यमान है। गुरुदेव आत्मा का स्वरूप क्या है? और कई बार हम एक शब्द पढ़ते हैं आत्मानुभूति, तो क्या आत्मा की अनुभूति संभव है, और यदि है तो किस प्रकार? बैठिए। पहला प्रश्न क्या था? उत्पत्ति के पूर्व जगत आत्मस्वरूप में विद्यमान रहता है। फिर ये तो वह सिद्धांत, इसमें प्रश्न क्या हुआ? गुरुदेव आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मानुभूति एक हम शब्द पढ़ते हैं। आत्मा का अर्थ हुआ सच्चिदानंद, वेदांता प्रस्थान। सांख्यों का तो ये सिद्धांत नहीं है, जगत का उपादान कारण उनके यहाँ ब्रह्म या आत्मा तो नहीं है, प्रकृति है, त्रिगुण है। हमारा वेदांत का प्रस्थान है तो आत्मा कहते हैं सच्चिदानंद। लेकिन शक्ति संपन्न उपादान से कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण ब्रह्म जिसको सर्वेश्वर कहते हैं। मायोपाधिक सच्चिदानंद तत्व का नाम ईश्वर है, वही यहाँ पर आत्मा ब्रह्म है। हमने दो प्रक्रिया का निरूपण किया था, तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश सम्भूता है तैतृय उपनिषद, और एक हमने कहा था शीतोपनिषद, गोपालोत्तर तापनी उपनिषद के आधार पर। तो हम सार क्या निकला? विराज ये बैठ, एक गणित की प्रक्रिया होती है, एक कृषि की, कृषि खेती की प्रक्रिया होती है। जो गणित की प्रक्रिया होती है उसमें क्या हुआ? 5, 4, 3, 2, 1, 0 यही ना। पृथ्वी में 5 गुण, जल में 4 गुण, अग्नि में 3 गुण, वायु में 2 गुण, आकाश में 1 गुण, आत्मा में कोई गुण नहीं, सर्वथा निर्गुण। यह हुआ गणित प्रस्थान, गणित प्रस्थान। एक न्यून तो कारण की प्राप्ति हो जाएगी, एक अधिक तो कार्य की प्राप्ति हो जाएगी। सन्निकट सविशेष का नाम कार्य है, सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण है। कृषि विज्ञान में बीज की प्राप्ति होती है, बीज से संस्कार को हटा देते हैं, उपादान मात्र शेष रहता है। जैसे चना जो मटर आदि से में जो घुन लग जाए या भून दे उनको, तो उनका नाम बीज नहीं रहता, संस्कार विशिष्ट जो उपादान है उसी का नाम बीज हो जाता है। तो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन अगर वो शक्ति विहीन हो, मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति न हो, तो घटाधिकारियों की उत्पत्ति कैसे हो? इसलिए ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म, प्रपंचोत्पादनी शक्ति त्रिगुणमयी माया से युक्त आत्मा का नाम यहाँ पर उपादान कारण है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्म तत्व या आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व कहें, का प्रपंचोत्पादनी शक्ति। अब है कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपने विद्यमानता से सद्वितीय नहीं कर सकती, अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं कर सकती। जैसे कि मिट्टी में रहने वाली घटोत्पादनी शक्ति स्निग्धता अपने आश्रय भुक्त मिट्टी को अपनी विद्यमानता से सद्वितीय नहीं करती, घटादि कार्यों को लेकर भी मिट्टी को सद्वितीय नहीं करती। ऐसे जगत को लेकर भी आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व, बृहत आत्मा का नाम ही ब्रह्म है, और साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा है। यह हो गया अनुभूति की बात है। जो तत्व जिस प्रकार है उसका उसी रूप में निर्धारण, यही अनुभूति यहाँ पर है।
आत्म तत्व अनुभव स्वरूप है, अनुभाव्य अनुभव का विषय नहीं हो सकता। क्या अनुभाव्य होगा दृश्य, तो दृष्टा का दर्शन करना है, वक्ता को बोलना, कैसे बोलेंगे वक्ता को, तो बोल सकते वक्ता को कैसे बोलेंगे, अब दृष्टा का दर्शन कैसे करेंगे। दृष्टा को दृष्टा समझ लेना ही उसका दर्शन हुआ या नहीं। दृष्टा दृष्टा भी हो जाएगा तो दृष्टा ही नहीं रहेगा। प्रमाता अगर प्रमेय हो जाएगा तो प्रमाता ही नहीं रहेगा। इसलिए अतद व्यावृत्ति के द्वारा, अतन निरसन अतद व्यावृत्तिया अनात्म वस्तु अथवा आत्म तत्व साक्षात अपरोक्ष है, और बृहत आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। तो आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभूति कर्तव्य नहीं है, वो तो साक्षात अपरोक्ष ही है। अहमअस्मि यह तो पहले से ही प्राप्त है, लेकिन अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का निरसन या त्याग कर देने पर आत्मानुरूप आत्म तत्व की जो अभिव्यक्ति है वही अनुभूति है। मुक्तिरहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। और कुछ हो गया।